जब ये बात समझ में आती है कि हमें मरना ही है, तब तक तो सांस निकल भी जा चुकी होती है। अंतिम समय में कहीं जाकर के याद आता है कि अब बचना तो बहुत मुश्किल है, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, इसको देख लें उसको देख लें, ये खाने की तृष्णा है वो पीने की तृष्णा है। तो आप सभी ने देखा होगा अंतिम समय पर कुछ न कुछ मंगाते हैं। आप सभी ने उत्तरी फेरी की कहानी तो सुनी होगी, पिछली बार ही हमने ये सुनाई थी, इसलिए हमें आज मैं उस कहानी को नहीं सुनाने वाला हूँ। आज मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जो आप लोग पहले से जानते हैं, मैं तो सिर्फ फिर से संकेत देने वाला हूँ। अंते संगरचित, जो हमारी सही में सांसों में बसे हुए हैं, जिन्होंने हमें जीने की नई राह दिखाई है, हमें धम्म तत्व होते क्या हैं उनको समझाया है। तो भंते संगरचित जी कहते हैं कि जिस प्रकार हमें जीवन मिला है, जिस प्रकार हमें जीवन मिला है, तो उसी प्रकार मृत्यु भी सभी को मिलेगी। यह कटु सत्य है, इसे जितनी जल्दी हो सके समझ लेना चाहिए। ये समझ लेना बहुत जरूरी है, और जरूरी होने के साथ साथ ये अर्थपूर्ण भी है। इस सत्य से रूबरू करवाने हेतु आज मैं कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा। इससे जो मौत का भय है, जो बार बार हमें सताता रहता है, हालांकि अपनी तरफ खींच भी रहा है, ऐसा आकर्षण है कि वो अपनी तरफ पल पल खींच रहा है, हम उसको बेशक न समझ पा रहे हो, लेकिन मौत हमें अपने नजदीक खींच रही है। हर आने वाली सांस हमारी कम होती जा रही है। तो किसी कवि की कल्पना है, मैं उसकी दो तीन लाइनें बताऊंगा। कभी कोई कहता है कि जिंदगी मिली है, जिंदगी अगर मिली है तो मरना भी तय है। इसमें कभी प्रदीप्त कहते हैं कि जिंदगी अगर है नाम की तो जिंदगी किस काम की, जिंदगी हो कुछ काम की तो जिंदगी भी है फिर नाम की। जिंदगी तो एक ख्वाब है, इसकी असल हकीकत तो मृत्यु है। मैं पिछले 6 हफ्ते से मृत्यु क्या है इसी के ऊपर बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं, और आप सभी ने किसी फिल्म का कोई गाना है वो सुना होगा, उसकी दो लाइनें बताना चाहूंगा, बाद में आप अपने गुनगुनाते रहिए, समझते रहिए क्या कहते हैं। कोई कवि ने लिखा होगा कि दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। घिर घिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाएं मगर आग पे चलते ही रहेंगे। ये जीवन, ये जिंदगी और मौत के बीच का एक खूबसूरत सफर है, और इस सफर का हमें जब तक जीवन है आनंद लेना ही चाहिए। आप सभी जानते हैं कर्मचारी नागरत्न ने एक बार गाना गाया था, मुझे लग गया है धर्म छंद और कर्म छंद के दरवाजे हो गए बंद। तो हमें क्या करना है, कर्म छंद से धर्म छंद की तरफ जाने का जो खूबसूरत सफर है, एक जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है, हमारा आध्यात्मिक विकास हो सकता है, हम किसी न किसी अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं, तो हमें इस सफर को जारी रखना है। हर चीज का जो
जो जो भी चीज इस धरती पर उपस्थित है उसका अंत उसके जन्म के साथ उसके शुरुआत के साथ ही निश्चित हो जाता है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं, धम्मपद में आपने पढ़ा होगा, सभी संखारा अनित्याति, सभी संखारा अनिच्छाति यदा पहियाय पसति, अत निबदन्ति दुःखे एष मद्गो विश्रुतिया। अर्थात सभी संस्कार अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। जब कोई इस बात को इस चीज को प्रज्ञा की दृष्टि से देखता है तो बाकी उसके जो दुख हैं वो जो है दूर हो जाते हैं। यही विश्रुति का मार्ग है। जिस व्यक्ति की जब भी मृत्यु से मुलाकात होती है, जिस व्यक्ति की, जिसकी भी, हमारी भी तो होनी है, जिस व्यक्ति की जब भी मुलाकात होती है मृत्यु से, तो फिर मिलने के, उससे मिलने के बाद क्या रहता है? केवल और केवल राख रहती है, केवल मिट्टी रहती है, केवल बॉडी रहती है। वो जो मुलाकात है उसका एकदम अनोखा स्वाद, अनोखा परिवर्तन हो जाता है, जो केवल और केवल वो ही व्यक्ति जान सकता है जिसकी मुलाकात मौत से होती है। इंसान का शरीर हो या किसी पेड़ पौधे का, जानवर का, पशु पक्षी का, ये जितनी भी चीजें हैं सभी नश्वर हैं। लेकिन ये बात हमारी समझ में इतनी जल्दी नहीं आती। अगर आती तो कुछ लोग 70, 80, 85, 90 साल के बाद में भी उनके चेहरे को तरफ देखते हैं, विशेषकर सिर की तरफ देखते हैं, जो गिनती के जो बाल बचे हुए होते हैं वो भी काले से दिखते हैं। आप अंदाजा लगाइए, बुद्ध कहते हैं सब परिवर्तनशील है, तो फिर 90 साल की उम्र में काले बाल रहना तो बहुत ही असंभव है। इसका मतलब क्या है? उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। और जितनी जल्दी हो सके हमें समझ लेना चाहिए, हमारे बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर उसको ऐसी सत्कार दिखती है तो मैं माफी चाहता हूँ, बुरा ना मानिए, ये कड़वा सत्य है। किसी किसी के साथ ऐसा होता, सब लोग ऐसा नहीं करते। मृत्यु के बाद एक खास बात और है। क्या? मृत्यु के बाद मरे हुए व्यक्ति को दर्द नहीं होता, क्योंकि वहां तो सब कुछ खत्म हो चुका होता, लेकिन उसके जो संगी साथी हैं, करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, जो सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, उनको ही ज्यादा दर्द होता है, उनको ही ज्यादा दुख होता है। आप सभी ने मल्लिका की कहानी सुनी होगी। भगवान बुद्ध एक बार प्रवचन कर रहे थे कि पियतो जायते शोको, पियतो जायते भयं, पियतो विप्रमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयं। अर्थात जो प्रिय हैं, जो प्यारे हैं, जिनसे हमारा प्रेम है, प्यार है, नजदीकी है, उनसे ही हमें शोक होता है, उन्हीं से हमें दुख होता है। और आप सभी ने ये कहानी मल्लिका की सुनी होगी, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। यहाँ तक होता है वो बात, पहुंचते पहुंचते रनवासों में पहुंचती है, राजा को पता चलती है, तो राजा जिस मल्लिका को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है उसको जब पता चलता है तो उससे कहती है, तू तो भगवान बुद्ध को अपना गुरु मानती है, और बुद्ध तो ये कहते हैं कि अपनों के कारण ही दुख होता है, तू जा, निकल जा, तू भी झूठी, तेरा गुरु भी झूठा है। और आखिरकार जो कहानी लास्ट में जब बताई जाती है, हालांकि वो उसी समय कहती है, अगर भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है कि अपनों की वजह से ही दुख होता है तो उन्होंने सही कहा होगा, लेकिन बाद में वो उसके बारे में जांच करती है और लास्ट में उनको पूरी कहानी बताती है, तो उस राजा को पता चल जाता है कि यस, भगवान बुद्ध ही सही कहते हैं। और बाकी का
जो समझ में नहीं आया था हमारे धन्य है भगवान बुद्ध और धन्य है भगवान बुद्ध के शिष्य। तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति मरता है उसे दुख नहीं होता है, उसके करीबियों को ही दुख होता है। अगला जो पॉइंट वो इस तरीके से है, हर एक दिन, हर एक पल, हर एक क्षण, ये जो हमारा जीवन है हमें मौत के करीब और करीब और करीब ले जाता है। तो इसका मतलब क्या है हमें समझ लेना चाहिए। यहाँ पर मुझे कबीर साहब की एक साखी याद आती है, चेत रे गुमानी फिर ये जन्म ना मिले, चेत रे गुमानी फिर ये जन्म ना मिले, ये तेरी माया संग ना चले। एक दूसरा भी आता है, मैं केवल उनके ऊपर की लाइनें बताता हूँ, पूरा बताऊंगा तो टाइम लगेगा। दूसरा क्या कहते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में, मन फूला फूला जग फिरे जगत में, कैसा नाता रे भाई बहन सब। किस तरीके से वो सिस्टम होता है आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें समझना है। आगे कहते हैं कि जिंदगी भले ही परेशानियों के कारण टल जाए, परेशानियों की वजह से हमारे जीवन में बदलाव आता है, लेकिन मौत किसी वजह से भी टलती नहीं है, उसे तो आना ही है। ये हमें जितनी जल्दी हो समझ लेना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, जिंदगी जीने के लिए है। सही में ये जिंदगी जीने के लिए है, और किस तरीके से जीना है बस जीना सीख लेना चाहिए, वरना अंतिम तो मरना ही है। मौत उसे अपने लिए वक्त निकाल ही लेती है। तो जितना भी हमारे पास समय है उस समय को हमें यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। मैंने पहले एक बार को सुनाया था, आपने सुना होगा, कि कुछ न किया दुनिया में तूने मिस दिन पाप कमाया, अरे ओ मूरख तूने हीरा सो जन्म गमाया। तो समय पर हमें सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सह पुण्य छह कारणी, यानी कि टाइम से उठना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, समय पर ध्यान करना चाहिए, समय पर धम्म अभ्यास करना चाहिए, यानी जो जो भी काम हमें जिंदगी में करने हैं सुबह से लेकर शाम तक वो हमें सही समय पर कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट जो है मौत के बारे में वो ये है कि मौत इंसान में भेदभाव नहीं करती है। हम बेशक भेदभाव करें, ये अमीर है, ये गरीब है, ये है वो है, लेकिन मौत किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। फिर वो चाहे इंसान गरीब हो या फिर अमीर हो, बड़ा हो या अनपढ़ हो, कुरूप हो या सुंदर हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो या फिर जवान हो, ये जो मौत है एक दिन सभी को ही आनी होती है। आप सभी ने सुना होगा कबीर साहब का एक भजन है कि एक दिन जाना होए जरूर, तू किस तरीके से करता है गरूर, किस बात का करता है गरूर, क्यों करता है तू गरूर, एक दिन जाना होए जरूर। ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान को सच का सामना करना ही पड़ता है। बोधिसत्व बाबा साहब कहते हैं कि संसार में अनंत सत्य हैं, और उन अनंत सत्यों में से एक जो अंतिम सत्य है वो सत्य ये है मृत्यु, उसका सामना हमने करना ही है। जिंदगी के सुहाने सफर में ये जो मौत है बिन बुलाए मेहमान की तरह आती है, इसका कोई पता नहीं है कब आ जाए। मौत आनी है तो आएगी एक दिन,
उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगली जो बात वो इस तरीके से है कि जिस वक्त व्यक्ति या कोई और भी प्राणी इस धरती पर जब जन्म ले लेता है तो समझ लो उसी दिन उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उसी क्षण से उस व्यक्ति के सिर पर मृत्यु का खतरा मंडराने लगता है। मुझे यहाँ पर एक कहानी ओशो की, ओशो रजनीश, कुछ लोग भगवान ओशो रजनीश भी कहते हैं, उनकी एक कहानी याद आती है। वो भ्रमण कर रहे थे, एक गांव से गुजरते हैं तो वहां पर उनको आवाजें सुनाई देती हैं, रोने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती हैं, तो वो रुक जाते हैं और उस भीड़ में से एक व्यक्ति से पूछते हैं, भाई क्या बात है, इतना रोना चीखना चिल्लाना किस बात का है, क्यों रो रहे हो? तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक जवान बच्चे की मौत हो गई है, इसलिए सब रो रहे हैं। तो उसको कहते, तो उसमें रोने की कौन सी बात है, क्यों रो रहे उसके लिए? तो सब हक्का बक्का रह गए, किसी किसी को तो गुस्सा भी आया, इसका सर फोड़ दे, ये क्या कह रहा है व्यक्ति कि क्यों रो रहे हो, यहाँ जवान बेटे की मौत हो गई है और ये कह रहा है क्यों रो रहे हो? तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप ऐसा क्यों कहते हो? बोले, कितने साल का था ये? बोले 22 साल का था। बोले ये 22 साल पहले ही मर गया था। बोले क्या मतलब? बोले ये तो उसी दिन मर गया था, ये निश्चित हो गया था इसे मरना ही है, ये तो 22 साल तक जिंदा रहा है, आज आपको होश आया, आपको खुशी मनानी चाहिए, आपको प्रसन्नता मनानी चाहिए, आपको आनंद लेना चाहिए, ये आपके ऊपर एहसान कर गया, आपके ऊपर इतना एहसान 22 साल तक आपके साथ रहा है, 22 साल तक आपने कुछ सोचा ही नहीं और आज आप रो रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मौत एक दिन सभी को आती है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। मृत्यु और समय का किसी के लिए है ना, मृत्यु जो है ना तो किसी के सामने रुकती है और ना किसी के सामने रुकती है। नेवर एनीबडी कैन स्टॉप द डेथ, कोई भी व्यक्ति इस मौत को रोक नहीं सकता है। मानव जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है, जो अंतिम सत्य है, वो है मृत्यु। और एक बात और है, एक बात दो और है, तो एक बात और है और बहुत ही सत्य है कि कोई गले लगाए या ना लगाए हमें हमारे अपने जीवन में, हमारे पूरे जीवन में कोई हमें गले लगाए या ना लगाए, परंतु मृत्यु एक ना एक दिन हर व्यक्ति को गले से लगा ही देती है। आपसे हर शख्स मिले या ना मिले, पर मृत्यु हर उस शख्स से मिलती है जो पैदा हुआ है। हमें इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। हम सभी धम्म का अभ्यास कर रहे हैं, हम सभी ध्यान कर रहे हैं, हम आनापान सती का ध्यान कर रहे हैं, मैत्ता भावना का ध्यान कर रहे हैं, कायानुसती का कर रहे हैं, बुद्धानुसती का कर रहे हैं, जस्ट सिटिंग का कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग तो सिक्स एलिमेंट का कर रहे होंगे और भी बहुत सारे ध्यान कर रहे होंगे। तो हमें इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा, तभी हमारा विकास होगा। इस मोड़ पर यह विचार करना जरूरी है कि हमें इन बातों को सुनने से, इन बातों को समझने से कौन रोक रहा है, यह क्यों नहीं हम सुन पा रहे हैं। पंते संगरचित जी कहते हैं कि मेरे विचार से ये कुछ बातें हैं जिनके कारण हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, इन बातों को हम नहीं सुन पाते हैं। आज मैं उन केवल बातों का केवल नाम लूंगा, समय अभाव के कारण हम उनके बारे में डिटेल से नहीं बता पाऊंगा। और वो क्या है? सबसे बड़ी बात है स्व जागृति का अभाव। हमारे अंदर अपने लिए समय है ही नहीं,
हमारी जो जागृति है वो जो है उच्च स्तर की नहीं हो पाती जिस स्तर की होनी चाहिए, और यही कारण हम किसी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप में से कोई अवस्था को प्राप्त हो, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। दूसरी बात यह है, अहंकार है हमारे अंदर, मेरे अंदर भी है ये, कि मैं ही सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं पुराना हूँ, मुझे ही ये सब समझ में आता है, फिर मुझे क्यों समझा रहे हो, मुझे तो पहले ही समझ में आ गया है। और तीसरी बात है, दूसरों के प्रति पक्का दृष्टिकोण है, हमने अपने आप को बॉक्स में बंद कर लिया है, हम दूसरों के बारे में जो अनित्य का सिद्धांत है सही में नहीं समझ पाते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं। हो सकता है कि 20 साल 25 साल 15 साल पहले कोई घटना घटी हो या हमसे कुछ गलत बोल दिया हो, आज दिन तक हम उसी घटना के हिसाब से जस्टिफिकेशन करते रहते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। आगे बंते संग्रह जी कहते हैं कि विनम्रता का अभाव है, बाहु सच्चंग च सिपंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतंग मंगल मुक्त मंग। तो यहाँ पर जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि बहुत श्रुत होना चाहिए और कलाओं का ज्ञानी होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए, उसकी भाषा बहुत ही विनम्र होनी चाहिए, तो उसका क्या होगा, मंगल नहीं महामंगल होगा। लेकिन यहाँ पर हम हमारे अंदर विशेषकर मैं अपनी बात करता हूँ, विनम्रता का भी अभाव है, कहीं कहीं अजागृति बस हम जो है अहंकार में आ ही जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, बंते संगर जी कहते हैं चौथा, खुलेपन का अभाव, हम खुले नहीं होते हैं। आत्मा परमात्मा का जो सिद्धांत है बंते संगर जी यहीं पर बताते हैं कि हमारे अंदर खुलेपन का अभाव होता है, जैसा मैं अंदर से हूँ वैसा बाहर से दिखता नहीं हूँ, वैसा मैं करता नहीं हूँ, और जैसा मैं बाहर से दिख रहा हूँ वैसा हकीकत में अंदर से नहीं हूँ, और ये हमारे अंदर कमी होती है और इसीलिए हम किसी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और आगे जो पांचवा और आखिरी पॉइंट भंते संग्र जी कहते हैं कि सुनने के कौशल्य का अभाव है, सही में हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। मैं स्क्रीन पर कंप्यूटर से देख रहा हूँ भाई और बहनों, बुरा मत मानना, यहाँ से सब दिख रहा है, एक तरह से क्या बोलते हैं वीडियो कैमरा लगा हुआ हर एक बॉक्स के अंदर, कहाँ क्या चल रहा है ये सब यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर कहीं कहीं सुनने का जो कौशल है उसको हम अभी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक से एक धमचारी आते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, नागरत्न जी हैं, विमल सिद्धि जी हैं, पुण्य सेन जी हैं, और बहुत हमारे सीनियर धमचारी मोठ शिविरों में आए हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि उन पूरे के पूरे प्रवचन को हमने ध्यान से कभी सुना नहीं है। नहीं, अब तक 10-11 शिविर हो चुके, उन 10-11 शिविरों से कुछ न कुछ प्रभाव अपने अंदर पड़ता। विशेषकर मैं अपनी बात करता हूँ कि भगवान बुद्ध को एक कनम वस्तु को सुनते थे, एक कथा को एक प्रवचन को सुनते थे, लोग श्रोतापन हो जाते थे, सकृतागामी अनागामी अर्हत हो जाते थे। आज हम इतने सारे प्रवचन रोज सुन रहे हैं फिर भी किसी अवस्था को प्राप्त नहीं हो पा रहे, इसका मतलब हमारे अंदर सुनने के कौशल का अभाव है। ये भंते संग्रह जी बिल्कुल सही कहते हैं, ये मेरे ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है, आपका मुझे नहीं पता है। अंत में एक कवि की कुछ लाइनें कहने के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, समय गवाही नहीं दे रहा है। एक कवि प्रदीप्त हुए हैं, वो मुझे बहुत भाते हैं, उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद, वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि जिंदगी है अगर, जिंदगी है अगर तो जिंदगी हो कुछ काम की, जिंदगी है अगर नाम की तो जिंदगी कुछ, जिंदगी किस काम की, काम करना है तुझे, काम करना है तुझे, फिक्र हो उस काम की, जिंदगी बेकार है नाम की और आराम की, जिंदगी बेकार है नाम की और आराम की। तो भाई और बहनों, आप सभी ने मुझे सुन लिया,